हे स्टूडेंट्स, अब वक्त आ गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके दुश्मन से दोस्त बनाने का। हाँ, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते थे। इट्स जस्ट अबाउट द राइट अप्रोच। तो चलिए जानते हैं। नंबर वन, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोस्त बनाना है तो आपके बेसिक्स पे पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब भी आप किसी रिएक्शन को करते हैं, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं, तो एट दी एंड प्रोडक्ट में उसका नाम लिखना जरूरी होता है। टॉकिंग अबाउट नॉमेनक्लेचर हियर एंड जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ढंग से इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बने हैं, ये सभी नहीं पता चलेगा तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा वीक रहेगी। तो अपने बेसिक्स को सुपर स्ट्रांग बनाना है। नंबर टू, डोंट ट्राई टू मेमोराइज बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी आप किसी रिएक्शन को याद रखने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है कि अगर रिएजेंट ने इस रिएक्टेंट पे अटैक किया तो क्यों किया। अगर इस अप्रोच को फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने सवाल लगाएंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, उतनी ज्यादा पकड़ बनेगी। लाइक मैथ्स, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले एनसीईआरटी से सवाल करिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इवन जेईई नीट के अगर पॉसिबल है, तो आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं था, इट वाज ऑल हियर, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। सो आई होप आप सबको मेरी टिप्स पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।